रॉयल फैमिली के ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार कलेक्शन उड़ा देगा आपके होश। उनकी संपत्ति जानकर हो जाएंगे हैरान। क्यों कहा जाता है उन्हें महाराज, वाकई में ये मान जाएंगे आप। ग्वालियर की जनता आज भी अपना महाराजा और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी को अपनी महारानी मानते हैं। 374 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति के अलावा कारों का भी शौक है। उनके गैराज में करोड़ों की कीमत की गाड़ियां खड़ी हैं। हम आपको बताते हैं उनकी कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में जिसका दाम और जिसका काम दोनों सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। सबसे पहली गाड़ी है BMW इसेटा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की साल 2019 में दिए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 374 करोड़ रुपए की है, जिसमें उनका खानदानी महल, कोठियों के अलावा व्यक्तिगत रूप से 3 करोड़ रुपए की FDR भी शामिल है। उनके पास पैतृक BMW कार भी है, हालांकि हलफनामे में इसकी कीमत दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन जिस कार की बात हम कर रहे हैं उसकी मौजूदा कीमत 50 से 55 हजार अमेरिकी डॉलर है, यानी तकरीबन 40 लाख रुपए। इसेटा इटालियन डिजाइन वाली एक माइक्रो कार है। इसे कई अलग अलग देशों में लाइसेंस के तहत बनाया गया है, जिसमें अर्जेंटीना, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। अपने अंडे के आकार और बुलबुले जैसी खिड़कियों के कारण इसे बबल कार के रूप में भी जाना जाता है। तस्वीर आप देख रहे हैं। BMW ने इसेटा को अपना बना लिया। उन्होंने इसे एक सिलेंडर 4 स्ट्रोक 247 cc मोटरसाइकिल इंजन के आसपास पावर प्लांट को फिर से डिजाइन किया, जिसने 10 किलोवाट का पावर पैदा किया। हालांकि BMW ने इसके इतालवी जो इटालियन डिजाइन है उसकी प्रमुख बातें बरकरार रखी, लेकिन कार के ज्यादातर हिस्से को फिर से इंजीनियरिंग के द्वारा बदला गया। BMW इसेटा मोटो कूपे और एक ISO इसेटा के बीच का कोई भी हिस्सा आपस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पहली BMW इसेटा को अप्रैल 1955 में प्रदर्शित किया गया था। ये तो इस गाड़ी की खासियत है, लेकिन आपको बता दें कि ये गाड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गैरेज को रोशन कर रही है। दूसरी, लैंड रोवर रेंज रोवर। ज्योतिरादित्य सिंधिया नई दिल्ली में आकर अक्सर लैंड रोवर और रेंज रोवर की अपनी SUV से सवारी करते नजर आते हैं। इस SUV में 4999 cc के 8 सिलेंडर वाले इंजन दिए गए हैं। इस गाड़ी में 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है और 225 किलोमीटर प्रति घंटे की इस SUV का स्टॉप जो स्पीड है वो 225 किलोमीटर की है। ये SUV महज 5.8 सेकेंड में 100 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, यानी क्विक स्पीड पकड़ती है। इस दमदार SUV की एक्स शोरूम कीमत 2 करोड़ रुपए की है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गैरेज को रोशन कर रही है। टाटा सफारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेड़े में भले ही एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां हो, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा वो टाटा सफारी में देखे गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी जाना पड़ता है और ऐसे में टाटा सफारी कार बहुत फायदेमंद होती है, ऐसा टाटा सफारी के जो उपभोक्ता हैं वो कहते हैं। और ये गाड़ी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। गांव के पथरीले रास्ते हो या सड़क टूटी फूटी हो, सब जगह ये बहुत आसानी से निकल जाती है। कार के इंजन की बात करें तो इसमें 2189 cc का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। ये इंजन 138 bph का पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है और इस कार में इसमें पावर स्टेयरिंग, AC, पावर विंडो, पावर ब्रेक जैसे फीचर्स बहुत आसानी से काम करते हैं। सुरक्षा फीचर्स की बात करें तो कार में एयरबैग्स ABS सिस्टम से लैस है। टाटा सफारी SUV कार की एक्स शोरूम कीमत है 15 लाख रुपए और फिलहाल अगर देखा जाए तो इस कार को कंपनी ने बनाना बंद कर दिया है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ये गाड़ी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज कहे जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के सिंधिया परिवार में उनका जन्म हुआ है। उनके पूर्वज कभी ग्वालियर शहर पर शासन भी किया करते थे। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव आयोग को दिए गए अपने संपत्ति के ब्यौरे में यह बताया था कि उनके पास चल अचल संपत्ति मिला के तकरीबन 375 करोड़ रुपए हैं। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ये लोकसभा की मध्य प्रदेश की गुना संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। साल 2020 में इन्होंने राजनीतिक मोड़ लिया था।
ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद करीब साल भर के भीतर ही उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया देश के चर्चित राज परिवारों से संबंध रखते हैं और गाड़ियों के बेहद शौकीन हैं। बड़ी से बड़ी गाड़ियां उनके गैरेज में हैं। कुछ चुनिंदा गाड़ियों के बारे में हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताया।